हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ठीक है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो ओ लेवल में जो इंटरनेट सब्जेक्ट होता है उसकी सीरीज चल रही है। ये इंटरनेट में क्वेश्चन बनते हैं ब्रिज, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस चल रही है। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस का की सीरीज चल रही है इंटरनेट में। नेटवर्किंग डिवाइस में पहले हब, स्विच, राउटर पढ़ा चुका हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए सारी वीडियो स्विच। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद आप इंटरनेट अगर शुरू से पढ़ना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा और शुरू से सारी वीडियोस देखिए, अगर इंटरनेट आप शुरू से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। आईटी टूल्स की भी सारी वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए। ब्रिज होता क्या है एक्चुअली? यह क्या है? यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है। सबसे पहले हम एग्जामिनर को बताते हैं कि यह होता क्या है। सबसे पहले मैंने बताया कि यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कि जो कि नेटवर्क सेगमेंट को क्या करता है, आपस में जोड़ता है तथा डेटा फिल्टरिंग का कार्य भी करता है। ब्रिज में केवल दो पोर्ट होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ दो पोर्ट होते हैं। ये क्या है? हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। ब्रिज में केवल दो पोर्ट होते हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एक इनकमिंग और दूसरा आउटगोइंग ब्रिज। ठीक है, अब ब्रिज डेटा को भेजने से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। ब्रिज क्या करता है? हमारा पहले डेटा आया उसके पास, उसने क्या किया, सबसे पहले उसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेक किया कि वह किसके लिए है। ठीक है, चेक करता है, यदि ब्रिज को डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाता है, अगर उसे डेस्टिनेशन एड्रेस मिल गया तो वह क्या करेगा, डेटा को भेजता है, अन्यथा वह डेटा को ट्रांसमिट ही नहीं करता है, वो भेजता ही नहीं है डेटा को। ठीक है, ब्रिज का उपयोग डेटा सिग्नल और ट्रैफिक को मेंटेन करने हेतु ब्रिज नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह क्या है? यह शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें ये देखिए, यह शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। यह OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI की फुल फॉर्म याद करिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, मॉडल के लेयर टू, ये याद रखना, लेयर टू डेटा लिंक लेयर में कौन काम करता है? ब्रिज काम करता है। ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर काम करता है। इसमें डेटा फ्रेम्स के रूप में जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें डेटा किस में जाता है? फ्रेम्स के रूप में। फ्रेम्स के रूप में किस में जाता है डेटा? ब्रिज में। तो ये हमारा था ब्रिज। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।